नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन टेक पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्माम किसान योजना 2020 के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों, इस योजना को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। तो काफ़ी पहले भी इस योजना की शुरुआत किया गया था उन किसानों के लिए जो अपनी खेती के लिए दोस्तों जो है कृषि उपकरण खरीदने में असक्षम होते थे, उन्हें जो है काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता था अपने कृषि यंत्र को ख़रीदने में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, 50 से 80% की जो है सब्सिडी पर यहाँ पे आपको जो है कृषि उपकरण जो है मिलेगा दोस्तों। और इसके लिए आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, को पूरी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। तो बने रहें वीडियो में मेरे साथ लगातार। और साथ ही साथ वीडियो शुरू करने पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करें, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में पहले आपको हम बता देते हैं। ऑनलाइन देखिए, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके जो दस्तावेज वगैरह हैं आपको क्या क्या पहले एकत्रित कर लेना है, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि स्माम किसान योजना 2020 की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश के किसान भाइयों को आसानी से खेती करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण की आवश्यकता होती है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को खेती के आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 50 से 80% सब्सिडी आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी, जिससे किसान आसानी से कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, स्माम किसान योजना से जुड़ी सभी जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता दस्तावेज क्या हैं, तो यहाँ से आप जो है पूरा का पूरा नोट कर लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। जैसे यहाँ पे उद्देश्य की बात करें तो यहाँ जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वह इन इस कृषि उपकरण को नहीं खरीद पाते हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस स्माम किसान योजना की शुरुआत किया है। इस योजना के जरिए किसान खेती करने के लिए उपकरणों को आसानी से खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत केंद्र खेती के आधुनिक उपकरणों खरीदने के लिए 50 से 80% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें लाभ की, तो इस योजना का लाभ किनको मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, इस योजना का लाभ देश के सभी किसान भाइयों को प्रदान किया जाएगा। देश के किसानों को इस योजना के तहत खेती उपकरण खरीदने पर 50 से 80% तक की सब्सिडी आर्थिक स्थिति के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ स्माम किसान योजना 2020 का लाभ उठाने के लिए देश के किसानों को इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तो जिसके बाद वह इस योजना के तहत सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के जरिए किसान खेती के उपकरणों को आसानी से खरीद सकते हैं। उपकरणों की सहायता से फसल को सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस योजना का अधिक लाभ जो है SC ST OBC वर्ग को प्राप्त होगा। देश के किसानों को इस योजना का लाभ उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों पात्रता की, तो यहाँ से पात्रता में यहाँ आप देख सकते हैं कि इस योजना के तहत देश के केवल किसानों को भी पात्र माना जाएगा। आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, भूमि विवरण जोड़ते समय रिकॉर्ड करने के लिए भूमि का अधिकार और बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, किसी भी ID प्रूफ की कॉपी यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, चालक लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये सब। अगर आवेदक किसी अनुसूचित जात जनजाति से है तो वो जात प्रमाण पत्र भी यहाँ पे उसे देना होगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको यहाँ पे देना होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, जो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इस पर देखिए दोस्तों, आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं ऑफिशियल लिंक और एक रजिस्ट्रेशन लिंक, दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दूंगा। तो आपको सेकंड वाले लिंक पर क्लिक करना है। तो आप सेकंड वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो वहां पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और आधार नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना दोस्तों। तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे जब आप, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहाँ से आपको सारी जानकारी यहाँ पर सभी भर देनी है, सबमिट बटन पर क्लिक, प्रोजेक्ट रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको सेकंड वाले लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैं सेकंड वाले लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो किसी इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। देखिए तो
तो दोस्तों सेकंड वाले लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको नोटिस दिए जारी कर दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया है पॉपअप करके नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको करना क्या, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे प्लीज़ पुट द फॉलोइंग पेपर्स इन फ्रंट आप यू एंड फिल द इन्फॉर्मेशन ऑन द सेम बेसिस। यानी कि दोस्तों आपको सभी अपने दस्तावेज यहां पे रख लेने हैं अपने सम्मुख ऑनलाइन आवेदन करने के पहले। तो सभी जो है यहां से आप देख सकते हैं कि पूरी यहां पे दिया गया है, जैसे कि यहां पे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रिकॉर्ड ऑफ राइट कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ द बैंक पासबुक, यानी कि सब कुछ यहाँ पे लेने के बाद, जॉब सर्टिफिकेट वगैरह लेने के बाद आप अपने सामने रख ले, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना शुरू करें ताकि पूरी डिटेल आप अपने पेपर से लेना शुरू करें। तो देखिए दोस्तों इसको हटाने के लिए यहाँ पे आपको एक जो है इंटू का निशान दिखेगा, तो इस पर हमें कर देना क्लिक। तो इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो देखिए दोस्तों हम इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस नज़र आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको आधार नंबर पर कर देना है क्लिक। तो आधार नंबर पर आप जब क्लिक कर देंगे दोस्तों तो देखिए आपको यहाँ पे अपना स्टेट जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी स्टेट से हैं तो यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आधार नंबर दोस्तों जो है आप अपना डाल दीजिए। तो यहाँ पे एग्जांपल तौर पे मैं आपको आधार नंबर डाल के समझा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल दिया और यहाँ पर मैं सबमिट बटन पर आप क्लिक करूँगा। तो सबमिट बटन पर क्लिक करते ही देखिए दोस्तों सर्चिंग कर रहा है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका दिखाएगा नो डाटा फाउंड, प्लीज़ फिल द फॉलोइंग डिटेल। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ से आपको करना क्या है, पहले मैंने बताया यहाँ से आपका आप स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों आपको। और इसके बाद यहाँ से देखिए विलेज अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे अपना नाम डालना है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि जैसा आपका आधार नंबर पे आपका नाम है वैसा ही आपको यहाँ पे फॉर्म में भरना है, तो सेम स्पेलिंग होनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए अपने पिताजी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर जेंडर डालना है दोस्तों आपको, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी डालना है। कैटेगरी में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से OBC SC जो भी हैं आप, तो यहाँ पर डालेंगे। अगर यहाँ पर आप SC हैं दोस्तों तो आपको मैं बता दूं कि आपको अपना जात प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे देखिए SC डालने के बाद आपको यहाँ पे जात प्रमाण पत्र पूरा फॉर्म भरेंगे तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट फॉर्मेट टाइप करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से देखिए लार्ज हैं कि जो है मार्जिनल हैं या फिर स्मॉल है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी किसान की कैटेगरी। और यहाँ से देखो ये दोस्तों यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो डालिए, अगर ईमेल है तो डालिए, वरना नहीं कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया स्टार वाले ही आपको भरना ज़रूरी है। तो यहाँ से पिन कोड डाल दीजिए अपने एरिया का, यहाँ पर एड्रेस डालना है आपको और यहाँ पर पैन नंबर डालना है, उसके बाद आपको रजिस्टर पर कर देना है क्लिक। तो रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके फॉर्म यहां पे सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है स्माम किसान योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए इस वीडियो कैसा रहा, आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।